काहे पुल गिरे हैं, तो ऐसा तो लगता है कि साहब उसमें खराब मटेरियल लगा होगा, लेकिन आज से 15 दिन पहले या 1 महीना पहले पुल क्यों नहीं गिरा या अभी क्यों गिर रहा है, लेकिन लगातार पुल गिर रहा है। इसका मतलब हमको लगता है कि जानबूझकर के कहीं ना कहीं कोई सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसा लोग कर रहे हैं। बिहार में लगातार गिर रही पुल की घटनाओं को लेकर के एक बार फिर से राज्य में सियासत गर्मा गई है, जहां पर तेजस्वी यादव समेत तमाम विपक्ष के नेताओं द्वारा सरकार पर लगातार हमले बोले जा रहे हैं। तो वहीं इस बीच अब केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने दरअसल बिहार में पुल गिरने की घटनाओं को साजिश बताया है। मांझी ने कहा कि 1 महीने पहले बिहार में ये क्यों पुल नहीं गिर रहे थे, अब क्यों गिर रहे हैं। जीतन राम मांझी ने आरोप लगाया है कि यह बीजेपी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार को बदनाम करने की साजिश चल रही है। पुल गिर रहे हैं, काहे पुल गिरे हैं, तो ऐसा तो लगता है कि साहब उसमें खराब मटेरियल लगा होगा, लेकिन आज से 15 दिन पहले या 1 महीना पहले पुल क्यों नहीं गिर रहा था या अभी क्यों गिर रहा है। इसमें कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि कोई साजिश तो नहीं है कि जानबूझकर के लोग सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरह की बात करते हैं। और 2 महीना पहले ऐसा पुल गिरने का लगातार आपने उदाहरण देखा था, एक आध पुल कभी गिरा था, उस पर कार्रवाई हो रही थी, लेकिन लगातार पुल गिर रहा है। इसका मतलब हमको लगता है कि जानबूझकर के कहीं ना कहीं कोई सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसा लोग कर रहे हैं, लेकिन सरकार अपने तरफ से जो पुल गिरे हैं उसके ठेकेदार एवं इंजीनियर पर सख्त से सख्त कार्रवाई कर रही है और आगे ऐसा न हो इसके लिए भी सरकार सचेष्ट है, ऐसा हमको जानकारी। आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों में राज्य से ऐसी कई घटनाएं निकल करके सामने आई हैं। हालांकि जहां पिछले करीब 10 दिनों के अंदर अररिया, सिवान, पूर्वी चंपारण, किशनगंज और मधुबनी समेत विभिन्न जिलों में 5 पुल ढह गए हैं। हालांकि इनमें कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन लगातार गिर रहे पुल की घटनाओं को लेकर के राज्य में सरकारी निर्माण कार्यों की क्वालिटी पर अब सवाल उठने लगे हैं। लगातार पुल टूटने की वजह से राज्य सरकार को विपक्ष की काफी आलोचना झेलनी पड़ रही है। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने भी शनिवार को नीतीश कुमार की सरकार पर तंज कसा है और कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार की दोहरी शक्ति के कारण केवल 9 दिनों में ही 5 पुल ध्वस्त हो गए हैं। वहीं लगातार गिर रही पुलों की घटनाओं को लेकर के आपकी क्या राय है, आप क्या सोच रहे हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इन खबर बिहार के साथ।